सांगानेर विधानसभा 3.5 लाख वोटर्स की सबसे बड़ी विधानसभा है। इसके अलावा 50,000 स्टूडेंट है, 1.25 लाख लेबर है। अब तक केवल 11,600 कट्टे राशन बढ़ता है। यह भेदभाव नहीं तो क्या है? एक बार आपके संज्ञान में मैं लाया हूं आज, आप अधिकारियों से चेक करवा लें कि मेरा स्टेटमेंट गलत है क्या। केवल 11,600 कट्टे बढ़ते हैं और वो भी कुछ लोगों के घर पर रखकर बांटे गए। यह मैं समझता हूं कि शायद आपके राज में यह उचित नहीं होना चाहिए कि किसी के घर से राशन बांटा जाए। अधिकारियों के ध्यान में भी ला दिया, एविडेंस भी दे दिया, लेकिन केवल राशन वितरण, जयपुर का राशन वितरण राजस्थान के माथे पर कलंक लगा रहा है, पूरे राजस्थान में नेगेटिविटी फैला रहा है। कौन अधिकारी कर रहे हैं इसको आप जांच कर लें। दूसरा मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी कि जो राशन वितरण आपने राशन कार्ड से किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन्होंने जो पोर्टेबिलिटी शुरू की है वो राजस्थान में यदि हो जाए कि जिसका भी राशन कार्ड है उसको एक बार भी यदि उससे राशन मिल जाए, और दूसरा उसका राशन कार्ड जो डीएक्टिवेट है, जो बड़ी संख्या में उनको एक्टिवेट अभी नहीं हो रहे हैं, तो एक बार यदि राशन मिल जाए, तो वैसे भी हम बांट रहे हैं, उससे भी मिल जाएगा तो बहुत हमारी प्रसिद्धि भी होगी और लोगों को राहत मिलेगी जो दूसरे स्टेटों ने वन टाइम किया है। तीसरा मेरा निवेदन है कि आपने बिजली का बिल माफ किया, लेकिन बिजली के बिल अभी भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की फीस हो चाहे भर्तियां हो, इनके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि जो भर्तियां जो आपने जो रुकी हुई थी डॉक्टर्स की वो देखें। बिजली के बिल भी अभी तक आ रहे हैं, जो आपने पहला स्टेप लिया कि प्राइवेट स्कूलों का बड़ा इश्यू बन गया है, लोगों पर बहुत ज्यादा खाने पीने की भी रोटी नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस के लिए रिमाइंडर शुरू हो गए हैं। और इन सब के साथ साथ मुख्यमंत्री जी, जो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से जयपुर में आपने अभी कहा कि कोई छूट हम नहीं दे रहे, लेकिन मैं फिर आपके ध्यान में ला रहा हूं कि जयपुर में जो अधिकारी काम संभाल रहे हैं वो किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं होने के कारण जगह जगह इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जो होटलें होने के बावजूद भी जगह जगह जो डॉक्टर्स और नर्सेज ड्यूटी दे रहे थे, वो जब आज जयपुर की हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं कोरोना पहुंचने का काम हो गया। ये प्रशासनिक लापरवाही हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा और बढ़ जाएगी। मेरा निवेदन है कि क्वारंटाइन ठीक से हो और जो सख्ती करनी हो, चाहे लॉकडाउन में हो चाहे कर्फ्यू में हो, वहां सख्ती करें। हर जायज काम के हम साथ में हैं, लेकिन आप कहें कि राजनीति नहीं करें, तो अभी तक तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक पक्षपात कर रहे हैं कि एक जगह तो 55,000 राशन वितरण हो रहा है और एक जगह 11,000 हो रहा है, तो हमको मजबूरी में फिर करना पड़ता है। इन बातों पर आप ध्यान दें। मैं समझता हूं ये आपके स्तर पर नहीं हो रहा होगा, लेकिन नीचे के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, और विशेष रूप से नगर निगम के लोगों से। ये आप बिल्कुल चेक करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।